नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। विधानसभा सत्र तय समय से 5 दिन पहले समाप्त। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 13 दिन की जगह 8 दिन यानी 5 दिन पहले ही समाप्त हो गया। सत्र के 6वें दिन बुधवार को नर्मदा में सीवेज मिलने, जल जीवन मिशन और आदिवासी पिटाई के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने ध्यान आकर्षण में नर्मदा नदी में प्रदूषण का मुद्दा उठाया। इस पर जमकर हंगामा भी हुआ। घनघोरिया ने कहा कि नर्मदा शिव की नहीं भाजपा की बेटी है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे माफी मांगने की मांग की। हंगामे के बीच प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। चयनित पटवारियों को जल्द नियुक्ति देगी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश सरकारी पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देगी। जांच आयोग ने परीक्षा को क्लीन चिट दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को पटवारी भर्ती परीक्षा के घोषित परिणाम के आधार पर नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक होल्ड किए गए ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के परिणाम भी जल्द घोषित होंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 30 जून 2023 में आया था। धांधली के आरोप लगे तो तत्कालीन शिवराज सरकार ने जांच होने तक नियुक्ति पर रोक लगाते हुए रिजल्ट होल्ड कर दिया था। मिर्ची बाबा ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को राम और हनुमान भक्त बताया है। उन्होंने बाकी कांग्रेस को नास्तिक कहा है। बुधनी विधानसभा से तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने सपा के टिकट पर चुनाव हारने वाले मिर्ची बाबा ने समाजवादी पार्टी से अब इस्तीफा भी दे दिया है। महामंडलेश्वर वैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को कमलनाथ सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। वे कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। संस्कार भारती विद्यापीठ में वसंत पंचमी के कार्यक्रम को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने की मां सरस्वती की वंदना। संस्कार भारती विद्यापीठ में कल वसंत पंचमी के सुअवसर पर विद्या की देवी मां सरस्वती के बड़े विधि विधान से पूजा की गई। संयोगवश किसी अन्य कार्यक्रम यहां से लौट रहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों के आग्रह पर शाला में रुककर मां सरस्वती की वंदना की। श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बच्चों के साथ स्वर गायत्री मंत्र गाकर छात्रों को उसका अर्थ समझाया। बच्चों ने अचानक आए पूर्व मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस अवसर पर शाला के सचिव शांतनु शर्मा ने भी चौहान का शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। बिना अनुमति चल रही थी शूटिंग, नगर निगम ने वसूला 10,000 रुपए जुर्माना। शहर के त्रिलंगा क्षेत्र में ओरा मॉल के पास बुधवार को वेब सीरीज गुल्लक के 4वें सीजन की शूटिंग चल रही थी, लेकिन इसको लेकर नगर निगम ने अनुमति नहीं ली गई। इसकी जानकारी जब संबंधित जोन के प्रभारी एच और रविन्द्र यादव को लगी तो वह अमले के साथ मौके पर पहुंचे और इसके डायरेक्टर पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इधर नेक्सा शोरूम के कर्मचारियों द्वारा कचरा फैलाने पर 3,000 रुपए का स्पॉट फाइन भी वसूला गया। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।